बेली फैट एक ऐसा जिद्दी फैट जो जल्दी से नहीं जाता है। बहुत सारी एक्सरसाइजेस ट्राई कर ली, बहुत कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन फिर भी बेली फैट नहीं जा रहा है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ पांच ऐसी एक्सरसाइजेस जो सिर्फ और सिर्फ आपके बेली फैट पे वर्क करती हैं। ये पांचों एक्सरसाइजेस ऐसी हैं जो आपकी कोर मसल्स को स्ट्रांग बनाते हैं और साथ ही साथ आपके पेट के मोटापे को रिड्यूस करते हैं। ये एक्सरसाइजेस आपको खाना खाने के बाद नहीं करनी है। अगर आपको खाना खाने के बाद करनी है तो उससे कम आप 3 घंटे का ब्रेक जरूर लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं कि एक्सरसाइज आपको किस तरीके से करनी है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कितने कितने रेपिटेशन आपको करने हैं। ये एक्सरसाइजेस आप मेरे साथ साथ अभी भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए इस तरीके से मैट पर लेट जाएंगे, बिल्कुल सीधे लेटेंगे, हाथों को इस तरह से पीछे लेके जाएंगे। अब अपने लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे और अपने राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे इस तरीके से एंड बैक। जितना आप पैर को पीछे की तरफ इस तरीके से स्ट्रेच करते हुए ला सकते हैं उतना पैर को लेके जाएंगे और हाथ को इस तरह से ऊपर लेके जाएंगे एंड बैक। ये दोनों साइड से हमें रिपीट करना है। 10 रिपीटेशन के साथ में शुरू करेंगे। तो टेक पोजिशन एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप देखोगे कि आपके जो ये वाला एरिया है, स्टमक का एरिया है, इस पे आपको जो है टेंशन क्रिएट होगा। यहाँ पे आपको जो मसल्स है वो इसमें एंगेज होती हैं, तो यहाँ के सेट को ये रिड्यूस करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए घुटनों को इस तरह से मोड़ लेंगे, हिप से थोड़ा सा दूर रखेंगे, हाथों को इस तरह से पीछे की तरफ लेके जाएंगे। अब सांस भरते हुए ऊपर आएंगे, घुटनों को टच करेंगे एंड बैक। बहुत ज़्यादा ऊपर उठने की ज़रूरत नहीं है, इसमें भी आपको ब्रीदिंग का ध्यान रखना है। ऊपर आते हुए आपको ब्रीथ करना है और नीचे वापस आते हुए आपको ब्रीथ को आउट करना है। तो टेक पोजिशन एंड स्टार्ट फॉर नेक्स्ट 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें भी आप देखेंगे आपकी जो स्टमक की ये जो कोर मसल्स हैं, ये वाली जो मसल्स हैं, इनमें आपको क्रैम्प आना स्टार्ट हो जाता है। हल्का हल्का सा मीठा मीठा सा दर्द होता है क्योंकि हमारी यहाँ की मसल्स इन एक्सरसाइज में एंगेज हो रही हैं। थर्ड एक्सरसाइज करने के लिए इस तरीके से पोजिशन लेंगे ऐसे, ठीक है। पैरों को इस तरह से पास में लेके आएंगे, इस तरह से पोजिशन लेंगे, एड़ियों को पीछे टिकाने की कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग में नहीं टिक रही है तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से भी रख सकते हैं, यहाँ पे रखेंगे। अब हाथ और पैर आपके एक ही जगह पे यहीं पे स्टिक रहेंगे और इस तरह से आपको आगे की तरफ पूरा स्ट्रेच करना है ऐसे और वापस इसी पोजिशन में आ जाना है, ठीक है। तो ये हमें करना है फॉर नेक्स्ट 10 टाइम्स। इसको करने से हमारे बेली फैट के साथ साथ हमारे आर्म्स की मसल भी स्ट्रांग होती हैं और हमारे पैरों की मसल भी स्ट्रांग होती हैं। तो टेक पोजिशन And start 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप देखेंगे जब आप इस एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी अपर थाई में, आर्म्स में और आपके पेट में, पूरे पेट में ऊपर से लाके नीचे तक आपको जो है टेंशन क्रिएट होता है। यानी कि हमारे जो जो मसल ग्रुप जिस एक्सरसाइज में एंगेज होते हैं उन उन मसल्स ग्रुप में आपको टेंशन जरूर क्रिएट होगा क्योंकि आपका वहाँ का जो फैट है वो मसल्स में कन्वर्ट होता है। और जब आप इसको डेली करते हैं, डेली आप इसको रिपीट करते हैं तो आपका फैट धीरे धीरे कम हो जाता है। अब देख लेते हैं हमारी फोर्थ एक्सरसाइज कौन सी करनी है। फोर्थ एक्सरसाइज करने के लिए इस तरीके से पोजीशन ले लेंगे, पैरों को सीधा करेंगे, इस तरह से अपनी एल्बोस पे आ जाएंगे
कमर को ऐसे डिप नहीं करके रखना है, इस तरीके से ऊपर की तरफ रखेंगे। घुटनों को इस तरह से अपने क्लोज लेके जाएंगे। अब सांस भरते हुए घुटनों को ऐसे दूर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए वापस इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमें करना है फॉर नेक्स्ट 10 times। सो स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये एक्सरसाइज आपके थाई के फैट को रिड्यूस करती है और आपके टमी फैट को भी कम करती है। अब हम करेंगे हमारी लास्ट एक्सरसाइज। लास्ट एक्सरसाइज करने के लिए इस तरीके से फिंगर्स को इस तरह से पूरा चौड़ाई में खोलेंगे, पैरों को इस तरह से पीछे लेके जाएंगे, हाथों पे वेट लेंगे इस तरीके से, पैरों की पोजीशन इस तरह से रहेगी। अब हल्का सा अपनी कमर को ऊपर उठाएंगे इस तरह से और यहीं पे आपको फॉर नेक्स्ट 10 counts तक होल्ड करना है, कोई मूवमेंट नहीं, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बैक। तो फ्रेंड्स, ये थी वो 5 exercises जिनको अगर आप डेली करते हैं, डेली इन सारे एक्सरसाइज के अगर आप 3 sets लगाते हैं तो बहुत जल्दी आपका बेली फैट भी रिड्यूस हो जाएगा और आपकी सारी बॉडी की मसल्स भी स्ट्रांग होंगी। इसके साथ साथ आपको आपकी डाइट का भी ध्यान रखना है, डाइट आपको किस तरीके से फॉलो करनी है उसके लिए मेरे चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट है डाइट प्लान के नाम से, आप उसमें से अपनी पसंद का कोई भी डाइट प्लान आप फॉलो कर सकते हैं। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन और वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।